और ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चलें रमज़ान मुबारक का चांद आज नज़र आएगा या नहीं। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जिसकी सदारत जो है मौलाना अब्दुल खुबैर जो है वो करेंगे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज बुला लिया गया है। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खुबैर आज़ाद की ज़ेर सदारत किया जाएगा, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को भी चांद के देखने के हवाले से जो कॉल दी है इसके मुतल्लिक बताया गया है कि रमज़ान मुबारक का चांद आज नज़र आने के हवाले से इत्तलात हैं। रमज़ान की आज पैदाइश जो है वो साइंसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से की जा रही है। आज दोपहर 3:30 पर चांद की पैदाइश तो हो जाएगी, लेकिन उसके नज़र आने के हवाले से जो इम्कान हैं वो आज 10 मार्च के हवाले से, 10 मार्च की शब जो है खासे कम नज़र आते हैं, लेकिन चांद को देखा जाएगा। अगर चांद नज़र आता है तो पाकिस्तान में कल पहला रोज़ा हो जाएगा, लेकिन चांद के नज़र आने के कभी इम्कान जो हैं वो 11 मार्च के हवाले से बताए गए हैं, जिस वक्त चांद की उम्र जो है वो तकरीबन 20-30 घंटों से ज़्यादा हो चुकी होगी। आपको बताते चलें कि आज रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है।